चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजिशन इज शोन इन द फिगर गिवन इन वन डायमेंशनल केस। द वर्क डन बाई द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इजकल टू वन टू एक्स इजकल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन निकालना है। देखो ऊपर जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो वर्क डन होगा वो निगेटिव है। तो आप इसको टोटल वर्क डन आप कैसे निकालोगे, ये अर्ज में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक चीज कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर फोर्स को न्यूटन लिखा जाए, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर लिखा जाए, तो ये वैल्यू होती है 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं न्यूटन को डाइन में लिख दूं, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, 10 to the power 5 डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जाएगी 1 न्यूटन की जगह 10 to the power 5 cgs में, और 1 मीटर को 10 to the power 2 सेंटीमीटर cgs में लिखा जाएगा। तो ये 10 to the power क्या आएगा, 7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल की वैल्यू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर होती है। अब ध्यान देना, 1 डाइन जो होता है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर जो होता है, 1 डाइन सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 1 अर्ज के इक्वल। ठीक है, 1 अर्ज के इक्वल होता है। ठीक है, जिस तरह वन जूल जैसे हम लोगों ने लिखा था ना, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के इक्वल, उसी तरह 1 अर्ज इक्वल होता है 1 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये वैल्यू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 10 to the power 7 अर्ज के इक्वल होगा। तो इट मींस 1 जूल की वैल्यू इक्वल हो गई 10 to the power 7 अर्ज के इक्वल हो गई। तो ये रिलेशन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर आया हुआ था तो मैंने सोचा बता दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू, आपको सभी वर्क डन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये W1 कर दो, इसको W2 कर दो, इसको W3, ये W4, और कहां तक लेना है, 10 to the power x = 5 सेंटीमीटर, यानी यहीं तक लेना है, x = 5 सेंटीमीटर तक लेना है, आगे नहीं चेक करना है, यानी इस वाले को नहीं यूज करना है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये 4 को ऐड करना है। तो वर्क डन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, और फोर्स कितना है 10। तो F into S होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या हो गया, फोर्स कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, ये यूनिट है डाइन, और फोर्स की यूनिट डाइन है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर है, इट मींस सीजीएस यूनिट में। तो ये जो वैल्यू आएगी वो अर्ज में ही आएगी, यानी अर्ज में लिख दे रहा हूं इसको। प्लस ये कितना होगा, W2 कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 1 है और फोर्स है 20 डाइन। तो 20 into 1, अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में, सॉरी फोर्स जो है निगेटिव में है, इट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव में 20 into 1 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा प्लस में हो जाएगा 10 into 1। तो अल्टीमेटली ये आया कितना, ये सभी अर्ज में है ध्यान रखना। तो ये इससे कट जाएगा, ये 10 और ये 10 मिलके कितना हो जाएगा, 20 अर्ज वर्क डन, 20 अर्ज। तो 20 अर्ज ऑप्शन ए है, करेक्ट ऑप्शन ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।